सो गाइस, तो आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था मेरे भाई लोग की सुबह से ही आप हमको अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ और व्हाइट करके सिखाओ। तो मेरे भाई लोग, अगर आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो मैं आपको सबसे सही तरीके में बताऊंगा कि फेस को आखिर स्मूथ और व्हाइट मेरे भाई लोग अच्छे तरीके से कैसे करते। तो बस गाइस, अगर आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपको ना फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करने से पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी आपको नहीं रोक सकता है मेरे भाई। तो बस गाइस, आपको करना क्या है, इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देने और मैं आपको पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी में फेस को स्मूथ और गाइस व्हाइट करके सिखाऊंगा। तो अगर आपको बस सीखना है तो बस इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बस आपको गाइस देखना है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू एंड गाइस करते हैं, सिंपली लोग स्टार्ट। तो सिंपली गाइस आएंगे यहां से गैलरी के अंदर। तो गाइस हम आपको सेम ऐसा ही अपने जैसा फेस स्मूथ फोटो एडिट करके सिखाएंगे वन क्लिक के अंदर। गाइस तो गाइस आपको करना क्या है, बस आपको अपने ओरिजिनल फोटो पे आना है एंड गाइस इस वाले फोटो को आपको यहां से ओपन करें सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर। गाइस जो एप्लीकेशन गाइस आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, तो जिससे कि गाइस आपका फोटो ओपन होगा तो आपको यहां पे लाइटरूम का नोटिफिकेशन गाइस भेज दिया जाएगा। तो आपको गाइस क्या करना है, इस नोटिफिकेशन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग क्लिक करेंगे तो सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर आप लोग पहुंच जाएंगे। और मैं आप लोग के लिए एक प्रीसेट बनाऊं गाइस, जिसका गाइस मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको फोटो पे कैसे अप्लाई करना है आप लोग सीख लीजिए। तो सिंपली आपको इस तरीके से प्रीसेट पे क्लिक करना है, ठीक है। और बस गाइस आपको करना क्या, वन क्लिक के अंदर मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। आपको ऊपर थ्री डॉट पे इस तरीके से क्लिक करके और गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा एक कॉफी सेटिंग का ऑप्शन। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको एंड इसको करके और क्रॉप को केवल छोड़ना है एंड फोटो को इस तरीके से डन कर लेना है। और आपको बैक पे क्लिक करके एंड गाइस अपने ओरिजिनल फोटो पे आना है। और इस पर गाइस आपको कैसे अप्लाई करना है, सिंपली आपको ऊपर थ्री डॉट पे इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। बस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके और बस गाइस आपको यहाँ पे कर देना है फेस्ट सेटिंग। वन क्लिक के अंदर आपका फोटो देखिए कितना धांसू तरीके से बन जाएगा। तो गाइस आपका फोटो वन क्लिक में इस टाइप से बन जाएगा, लेकिन हमारे फेस पे थोड़ा सा ये वाला इफेक्ट है जो रेड लग रहा है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम लोग पूरा ब्लैक करेंगे। तो इसके लिए किस क्या करेंगे, सिंपली नीचे एडिट पे क्लिक करेंगे और इसे सिंपली थोड़ा सा कलर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। और मिक्स टूल पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे और इसका सेचुरेशन को पूरा इस तरीके से जीरो करेंगे और यहाँ पे आएंगे और देख लेंगे इसका भी जीरो है, ठीक है। तो आप सिंपली डन कर लेंगे इस तरीके से। तो आप लोग डन कर लीजिएगा एंड फोटो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। सो देख लीजिए कितना आसान है फोटो एडिटिंग करना। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा फोटो सेव हो चुका है एंड इसको ओके करेंगे एंड इस वाले फोटो को सिंपली हम लोग ओपन करेंगे स्कटू ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन के आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ और व्हाइट करने में आपको सिखाऊंगा। अभी तो आप लोग वन क्लिक में व्हाइट करना सीख लिया है, लेकिन अब आप लोग सीखे कि स्मूथ कैसे करते हैं फेस को। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके और अपने फोटो को आप लोग फिर से इम्पोर्ट कर लीजिएगा। सबसे सही तरीके मैं बताऊंगा आज के वीडियो में, जो आज तक आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी नहीं बताया होगा। तो आप लोग बोलते हैं ना कि फेस को स्मूथ करना काफ़ी ज़्यादा भारी बात है, ठीक है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे आसान काम है, ठीक है। तो कैसे आसान होता है, हम लोग ब्रश पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्लिक करेंगे और सिंपली हम लोग इस वाले ब्रश को एक बार कर लेंगे सेलेक्ट, इस वाले ब्रश को देख लीजिए अच्छे से एंड आपको ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना है। इसका सेटिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो फॉलो को 6 कर लीजिएगा, स्ट्रेन को भी 5 कर लीजिएगा और गाइस आपको यहाँ पे एक मिलेगा स्मूथ का ऑप्शन, ये मेन चीज़ है, ठीक है। अगर ये सेलेक्ट होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोगों को सेकेंड नंबर पर मिल जाएगा। इसको आप लोगों को आराम से सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप हरा हो जाएगा, ठीक है। और साइज को अपने हिसाब से करना है, जितना आपका मन करे 96 में करके और मैं कट कर लेता हूँ। और किस में क्या करूँगा, अपने हल्के हाथों से इस तरीके से अपने फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई करेंगे। तो गाइस हमारा फेस काफ़ी आसान तरीके में स्मूथ होने का काम जो भी होता है वो मतलब कि स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग काफ़ी आसान तरीके में अपने फोटो को एडिट भी कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में मत बोलिए कि सुबह से आप हमको अच्छे तरीके से फोटो एडिट नहीं सिखा पाए हैं, ठीक है। तो आपको आपका भाई सबसे आसान तरीका बताएगा फेस स्मूथ करने का। अगर आप लोग फेस को स्मूथ और व्हाइट करना अच्छे से सीख जाते हैं ना मेरे भाई लोग, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस टाइप से आप लोग फोटो क्रिएट करना चाहेंगे उस टाइप से कर लेंगे अगर आप लोग फेस को स्मूथ और व्हाइट करना सीख जाएंगे। और बस तो मैं आप लोगों को यही चीज सबसे जल्दी सिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना कम टाइम में कितना ज्यादा फास्ट गाइस हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा एंड आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं गाइस।
तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि आपका भाई जो है ना कितना अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ और व्हाइट तो कर लिया, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने लिप्स को रेड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस बस आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से, और ऊपर आपको प्लस पे क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक न्यूअर को आपको क्रिएट करना है। इस पर आपको क्लिक करके नोआ पे आइएगा और इसको सॉफ्ट लाइट को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और कट कर लीजिएगा, एंगल्स ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊपर आपको ब्रश पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आना है ठीक है, और बस आपको इस वाले ब्रश को ना एक बार कर लेना है इसे सेलेक्ट ठीक है, और आपको सेटिंग पे क्लिक करके और इसका ऑफसिटी को 100 कर लीजिएगा, साइज को अपने हिसाब से करके 34x35 और कट कर लीजिएगा, एंड ऊपर आपको कलर पे क्लिक करके और यहाँ से जो भी आपका मन करे वो कलर आप लोग सेलेक्ट करके और कट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने लिप्स के ऊपर कलर को अप्लाई करना है ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक काम और करना है, अपने हेयर पे ऑयल पेंट को करना सीखना है। तो बस आपको इतना काम करना है अच्छे तरीके से, और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि बस भी आपके जैसा हमारा फोटो मतलब कि इस दिखने में अच्छा क्यों नहीं लगता है। इसके लिए एक दो PNG को हम लोग यूज करते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसको आप लोग कैसे अपने फोटो में यूज करेंगे मैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा सबसे पहले तो लिप्स को कर लेंगे रेड, और इस चीज को हम लोग अच्छे से आपको जानकारी देंगे कि आखिर आप लोग भी मेरे जैसा फोटो को अच्छे से एडिट कैसे करेंगे। तो बस आपको इस तरीके से लिप्स को रेड करना है इस तरीके से। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि आपका भाई का हो चुका है, एंड एक PNG को ऐड करेंगे। तो क्लिक करेंगे इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है, और थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, गैलरी में आएंगे और हम लोग सिंपली यहाँ से एक PNG को ऐड करेंगे, मतलब कि इस देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हिंदू वाला PNG ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से कर लेंगे, ऊपर सही कर लेंगे और लेयर पे आएंगे, और इसके लेयर पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके और इसको हम लोग स्किन करेंगे इस तरीके से। तो स्किन जैसे करेंगे तो इसके पीछे का जो भी ब्लैक पार्ट होगा वो हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले फोटो को थोड़ा सा आपको ओपन करना है, यहाँ से आपको टूल भी आपके अंदर जहाँ पे कि हम आपको बताएंगे कि वाइल पेन आप लोग अपने मतलब कि फेस के ऊपर एंड हेयर के ऊपर कैसे करेंगे। सो गाइस तो सिंपली हम लोग फोटो को ओपन कर लेंगे ट्रोल बीच ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको इस प्ले स्टोर पर आसानी से मिलेगा, और बस इसमें आपको क्या करना है, नीचे आपको इफेक्ट वाले टूल्स पे एक बार क्लिक करना है, और काफ़ी आसान है, सब इसमें पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है ठीक है। और आपको गाइस क्या करना है, फ़ोन नंबर को सेलेक्ट करना है, और आपको मार्क्स पे इस तरीके से क्लिक करना है ठीक है। और आपको गाइस क्या करना है, अपने आँख पर से ऑयल पेंट को इरेज करना है, एंड अपने लिप्स पर से करना है, और जो भी मतलब कि हिंदू है ठीक है PNG इसको कर लेंगे, और थोड़ा सा मोबाइल के कैमरे पर से कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे, और बस फोटो को डन एंड गाइस राइट कर लेंगे। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पूरा प्रोसेस फोटो का हो चुका है, और आपका भाई आपको कितना अच्छे तरीके से फोटो एडिट करके सिखा दिया गाइस, आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख ही सकते हैं। और गाइस मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ में, फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।